प्रदेश सरकार के 6 महीने पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि पिछले 6 महीने के अंदर यूपी में कोई भी दंगा नहीं हुआ है, तो दूसरी ओर सीएम योगी ने अखिलेश यादव के ट्वीट को आड़े हाथों लेते हुए उन पर कटाक्ष किया कि 6 महीने में एक भी दंगा नहीं और 19 मार्च से पहले सप्ताह में एवरेज 2 दंगे हुए हैं। ये प्रदेश का वह रिकॉर्ड है जिसमें दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश को एक बदसूरत तस्वीर प्रस्तुत कर दी थी और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम प्रदेश में दंगा भी नहीं होने देंगे। 22 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए जो भी संभव प्रयास करने होंगे हम लोग करेंगे। हम लोगों ने इसलिए अधिकारियों को जहां उनको जवाबदेह बनाने के लिए कहा है, संवेदनशील बनने के लिए कहा है, वहीं यह भी तय किया है कि अपराधियों पर पुरस्कार की राशि किस स्तर पर कितनी बढ़ सकती, कई गुना हम लोगों ने बढ़ाई है। आप देखेंगे इसके बेहतर परिणाम आएंगे और प्रदेश एक बार पुनः खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। मुझे लगता है कि अखिलेश जी जिस विरासत से हैं तो उनको किसान की परिभाषा भी मालूम नहीं होगी, उनको किसान की परिभाषा पहले मालूम कर लेनी चाहिए और किसान की परेशानी को भी देख लेनी चाहिए। ये ट्वीट करने की बजाय उन 10,96,000 किसानों को देखें और प्रदेश के उन 86,00,000 किसानों के बारे में सोचें जिनके ऋण मोचन की कार्रवाई का वो हंसी उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों का हंसी का पात्र बनाने की बजाय स्वयं का हंसी का पात्र बन जाएंगे। प्रदेश के अंदर 1 करोड़ से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनके पास अपना विद्युत कनेक्शन या तो नहीं था या उनकी मजबूरी होती थी कि पावर कारपोरेशन उनको विद्युत कनेक्शन नहीं देता था तो बिजली की चोरी करते थे। इस दौरान 6 महीने के अंदर हम लोगों ने जो विद्युत कनेक्शन मुफ्त में देने की कार्रवाई की, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने व्यवस्था की कि हम लोग आपके यहां मीटर लगाएंगे लेकिन कनेक्शन हम फ्री में आपको देंगे, 16,00,000 ऐसे परिवारों को हम लोग विद्युत कनेक्शन देने में सफल हुए हैं, जिनमें 6,00,000 गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने पहले 100 दिनों में 80,000 किलोमीटर सड़क को गड्ढा मुक्त किया है। साथ ही सीएम ने कहा कि सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजना शुरू करेगी। हमें विरासत में पिछली सरकारों के पापाचार और भ्रष्टाचार के कारण 1,21,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें गड्ढा युक्त मिली थी। हम लोगों ने पहले 100 दिनों में 80,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों को गड्ढा मुक्त किया और हमारी शेष कार्रवाई 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है, जिसे हम इस वर्ष पूरा करके प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने की कार्रवाई पहले चरण में करेंगे और फिर उन सड़कों का नवीनीकरण करने की कार्रवाई, उनके चौड़ीकरण की कार्रवाई को भी हम अगले उसमें लेने जा रहे हैं। सरकार से प्रदेश के अंदर टूरिज्म के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। अयोध्या रामलीला की प्रथा, वहां पर जो परंपरागत रामलीला थी उसको पिछली सरकारों ने बंद करवा दिया था, हम लोगों ने इसको प्रारंभ कराया। अयोध्या का विकास हो, धार्मिक टूरिज्म को आगे बढ़ाया जा सके। इसी प्रकार से मथुरा के विकास के लिए हम लोगों ने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया है और उस पर तीव्रता के साथ कार्य प्रारंभ हुआ है। काशी के विकास और उसके परिक्रमा मार्ग को के विकास के लिए कार्रवाई प्रारंभ हुई है। प्रयागराज में 2019 में अर्धकुंभ का आयोजन व दुनिया के अंदर एक यूनिक इवेंट के रूप में हम प्रस्तुत कर सकें, इस पर हमारी कार्रवाई प्रारंभ हुई है और कुंभ है 2019 में हम लोगों ने उसके प्रथम चरण की 510 करोड़ रुपए के कार्य का शुभारंभ भी प्रयागराज में कर दिया है। प्रदेश के अंदर प्रदेश के ढांचागत विकास का भी एक रोडमैप हम लोगों ने इस दौरान तय किया है, खासतौर पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर के, आगरा से झांसी, झांसी से चित्रकूट, चित्रकूट से इलाहाबाद, ये हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिस पर हमारा डीपीआर की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। बहुत शीघ्र इसकी सामने आएगा, हम इस कार्य को करेंगे और बुंदेलखंड के विकास के लिए और वहां के नौजवानों के पलायन को रोकने के लिए उसका व्यापक औद्योगिकीकरण और उसके विकास की एक रूपरेखा हम लोगों ने तैयार की है। दूसरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे,
लखनऊ से गाजीपुर बलिया, इसमें अयोध्या और वाराणसी को भी इसके साथ जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। हम लोग अब तक 70% तक लैंड का क्रय इसमें कर चुके हैं, उसका अधिग्रहण कर चुके हैं। शेष की कार्रवाई हमारी तेजी से चल रही है, भारत सरकार से हमारी इस पर बातचीत चल रही है और इस कार्य को भी हम तेजी के साथ करने जा रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सरकार के 6 महीने पूरे होने के उपलक्ष्य में श्वेत पत्र जारी किया था। इस श्वेत पत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने पिछली सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा था। लखनऊ से अनिल सैनी, पंजाब।